टू माई चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज एंड सॉरी कि आपको इस स्टडी ब्लॉक के लिए इतना वेट करना पड़ा. सो आपके जो कमेंट्स हैं वो बहुत प्यारे होते हैं, मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं. और बहुत सारे लोगों के कमेंट्स थे कि आपको मेरे स्टडी ब्लॉग से मोटिवेट कर रहे हैं, तो इट्स अ वेरी गुड थिंग. लेकिन गाइज मैं यूट्यूब पे वीक में एक या दो वीडियोज ही अपलोड कर पाती हूँ और वो मोटिवेट कर रहे हैं, इट्स गुड. बट मैं इंस्टाग्राम पे स्टोरीज के थ्रू आपको डेली मोटिवेट करने की कोशिश करती हूँ, तो आप वहाँ पे मुझे जाके चेक कर सकते हैं. एंड आई होप आपको वो पसंद आएगा और आपके लिए वो वर्क करेगा. गाइज मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, एक्चुअली ऐसा है, फैक्ट है ये, कि जब भी हमें स्टडी करनी होती है तो हमें वीडियोस देखनी पड़ती है कि हम प्रोडक्टिव कैसे हैं. जैसे आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं, देखो इट्स अ गुड थिंग, खराब नहीं है. लेकिन फोन चलाने के लिए, बाकी काम करने के लिए हमें किसी भी वीडियोस की जरूरत नहीं होती है, राइट. तो मुझे ऐसा लगता है कि हम जो है अपने बाकी कामों को नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम अपनी स्टडी को अपार्ट रख देते हैं. जैसे हम अपना सोशल मीडिया नहीं चला पाएंगे या बाकी अपडेट्स जो भी है, ठीक है. तो आज हम इस वीडियो में अपने शेड्यूल को कुछ इस तरह प्लान करने वाले हैं जिससे कि हम अपनी स्टडी को भी बहुत अच्छी तरीके से बैलेंस कर सकते हैं और अपने बाकी काम को भी. कैसे वो मैं अभी आपको. आज मेरा स्टडी टेबल क्लियर है लेकिन मेरा बैट, क्योंकि मैं थोड़ा सा नोट शॉर्ट आउट कर रही थी, तो सबसे पहले तो इसका कोई काम नहीं है. तो अब मैं आपको बता दूं कि आज हम करने क्या वाले हैं. मैंने अपना जो शेड्यूल है उसको डिवाइड किया है 3 सेशंस में, और फर्स्ट जो सेशन है वो मैं करने वाली हूँ 2 आवर्स का, और उसमें मैं एक पूरा चैप्टर निपटाने वाली हूँ. ये मेरा आज पहले सेशन का टारगेट है. आप अपना सेशन अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो, लेकिन कोशिश करिएगा कि 1 आवर से कम ना रखें. कम से कम लिमिट आप 1 आवर की जरूर रखें, और कोई भी सब्जेक्ट चुन सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कि आप उस 1 आवर में ज्यादा से ज्यादा टॉपिक, ये नहीं कि आप सिर्फ एक सिंगल छोटा सा टॉपिक लेके 1 आवर तक बैठो, नहीं, ज्यादा से ज्यादा आप टॉपिक उसमें कवर कर पाओ. तो मेरा जो फर्स्ट सेशन है वो मैं 12 बजे शुरू कर रही हूँ, लेकिन आपको मैं सजेस्ट करूंगी कि आप एक सेशन, जो अपना फर्स्ट सेशन है, वो आप मॉर्निंग में बहुत ही अर्ली शुरू कर दें, तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा और आपको दिन में ज्यादा टाइम मिलेगा. लेकिन अभी हम स्टार्ट करते हैं. माय चैप्टर और ये सेशन अच्छा रहा. जैसे कि सॉरी फॉर दैट. तो अगर आप अपना सेशन मॉर्निंग में रखते हो तो आपके पास फिर टाइम होगा अपना घर का जितना भी काम करने का, आपको बाकी अपना जो भी पर्सनल काम करना है, और आप अपना नेक्स्ट सेशन 12 बजे रख सकते हो, जो कि
डे में होगा और उसके बाद आप इवनिंग में रख सकते हो, तो आपका जो टाइम टेबल है बहुत ही अच्छे से मैनेज हो सकता है। जैसे अभी मैंने 12 बजे रखा था और मैं ये अभी 2 बजे खत्म हुआ है, तो अभी इसके बाद मैं नेक्स्ट सेक्शन बहुत जल्दी स्टार्ट कर दूंगी वापस से, क्योंकि अभी मेरे पास ऐसा कोई काम है नहीं करने के लिए। और लेकिन मैं अभी ब्रेक लूंगी समथिंग 15 to 20 minutes का, उसके बाद हम देखते हैं कि हम सेशन कब स्टार्ट करें। सो इट्स 2:30 राइट नाउ, 15 मिनट्स का ब्रेक मैंने लिया था और अब मैं अपना स्टार्ट करूंगी सेकंड चैप्टर। तो इसमें मैंने टाइम डिसाइड नहीं किया, बट 1.5 आवर का होगा ये सेशन, क्योंकि मुझे नेक्स्ट चैप्टर एंड करना है। अगर वो चैप्टर थोड़ा सा ज्यादा चला तो 2 आवर्स का भी हो सकता है। तो इसी अकॉर्डिंगली आप भी अपना सेशन सेट कर सकते हो, लेकिन जैसे कि मैंने बताया है कि आपको 1 आवर से कम अपना सेशन नहीं रखना है, तो कोशिश कीजिएगा कि आप 1 आवर से ज्यादा ही पढ़े तो ज्यादा बेटर होगा। तो जैसे कि मैंने अभी पहले बताया था कि अगर आप 12 बजे सेकंड सेशन रखते हैं तो आप आराम से 2:30 तक पढ़ सकते हो, और उसके बाद आपके पास दिन में सोने का भी टाइम होगा और बाकी अपना काम करने का भी। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। चैप्टर, और जैसे कि मैंने बोला था कि ये सेशन का हमने टाइम डिसाइड नहीं किया था, तो कितना भी टाइम लग सकता है और जितना हमने सोचा था उससे ज्यादा ही टाइम लगा है, तो इट्स गुड। लेकिन कि हमने अपना कंप्लीट कर लिया है चैप्टर, तो इट्स सो इजी। अभी देखो मेरे पास टाइम है, मैं 1 आवर की स्लीप ले सकती हूँ, मैं अब अपना पर्सनल काम इजिली कर सकती हूँ, अपना नेक्स्ट सेशन डिसाइड करके कि वो मुझे कितने बजे स्टार्ट करना है, तो मैनेज हो जाता है। आप भी ट्राई कीजिए इसको, ये वीडियो यहाँ ख़त्म नहीं हो रही है, हम एक सेशन और करेंगे इसके बाद, तब तक के लिए आराम कीजिए। सो इट्स 6 राइट नाउ और अब हम स्टार्ट करेंगे अपना थर्ड सेशन जो कि है लास्ट सेशन। आप चाहो तो आप अपने डे के अकॉर्डिंग कितने भी सेशन प्लान कर सकते हो, आप कितने भी टाइम के ब्रेक में अपना सेशन प्लान कर सकते हो, इट्स ऑल अप टू यू। बट इस सेशन में मैं वो सारा कुछ रिवाइज करने वाली हूँ जो आज मैंने कंप्लीट किया है, वो दोनों चैप्टर आज मैं रिवाइज करने वाली हूँ, क्योंकि रिविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो मैं उसको रिवाइज करने वाली हूँ। और थोड़ा बहुत जो मुझे फिर से डाउट आता है उसको मैं नोट डाउन कर लूंगी ताकि वो आगे मुझे उसको क्लियर कर लूँ और ये चैप्टर्स मेरे सारे फिनिश हो जाए। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे अपना थर्ड सेशन, और ये रिवीजन बेस्ड सेशन है, तो इसमें हमने टाइम सेट नहीं किया है, जितना भी हमें टाइम लगेगा वो आपको एंड में बता दूंगी। सो इट्स 8 राइट नाउ एंड आई एम डन विथ माई स्टडी। तो सारा रिविजन हो गया, ये चैप्टर्स मेरे कम्प्लीट हो गए हैं, और इसी के साथ दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। तो ये बहुत ही ईजी एक्सरसाइज है, इससे आप सब कुछ मैनेज कर सकते हो, बस आपको एक बार अप्लाई करना है इसको। तो अगर आप ट्राई करते हो ऐसे प्रोडक्टिव रहने का, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में छोड़ दिएगा। जल्दी ही मैं प्लान कर रही हूँ एक क्वेश्चन आंसर वीडियो, जिसमें मैं आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर देने वाली हूँ। सो मेक श्योर यू लाइक द वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, और सब्सक्राइब टू माय चैनल अगर नहीं किया है अभी तक, तो वैसे आए नो कि आपने कर दिया है। बाकी मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, अपने आसपास वालों का ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय, बी प्रोडक्टिव, बी मोटिवेटेड, बाय बाय।